और आज बताएं क्या कार्यक्रम क्या है यहाँ पर? जो महापुराण ज्ञान का कार्यक्रम होने वाला है, काशी से अनंत सभी पोषित काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु संगठन भगवान श्री स्वामी नारायण से श्री भगवान का आगमन हुआ है। और यहाँ पर आज शोभा यात्रा है उसे जाने के लिए, और इतनी सारी निरंतर कार्यक्रम चलेगा। क्या लाभ क्या है ऐसे कार्यक्रमों से, क्या लाभ है? शिव महापुराण का करने से कहा गया कि भगवान शिव ये देवों के देव महादेव है, ये सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शिव सत्या प्रसन्न होने वाले देवता है, और इनके बारे में भगवान शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, इसकी विशिष्ट महिला गुरुदेव भगवान के द्वारा जन्म मिलेगी। देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये अत्यंत लोगों को निश्चित रूप से अपने तरफ आकर्षित करेगा। लोग हंस रही हैं, महिलाएं बिल्कुल आदर और प्रेम पूर्वक इस तरीके से प्रातः काल निकल पड़ी हैं, अपने हाथों में कलश लिए, माला लिए, नारियल लिए। हिंदू धर्म के मान्यता के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो इनके हाथों में है इस वक्त, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माना जाता है पूजा पाठ हवन के लिए। तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से ऐसी यात्राएं और ये इस तरीके के कार्यक्रम का बहुत महत्व माना जाता है। खासतौर पर विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर की पहचान है, यहाँ का इतिहास है, यहाँ अध्यात्म के दृष्टिकोण से तमाम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। देखिए, ये महाराज जी बिल्कुल आगे बैठे हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के उद्देश्य से इनकी इच्छा है कि सब के ऊपर परोपकार की वर्षा हो। सब लोग जो है, देखिए ये जो नारियल है इसकी भी कई कथाएं हैं। ये पूजा पाठ और यज्ञ हवन के दौरान बिना इसके यज्ञ मान्यता पूरा भी नहीं होता। तो जितने भी इस तरीके के अनुष्ठान के आयोजन होते हैं उसमें इन सब चीज़ों का महत्व है, और सिर्फ सामग्रियों का ही महत्व नहीं है, उसके रख रखाव उसके विधि विधान का भी अपना बहुत ही बड़ा महत्व है। देखिए, आम की टेरी है, कितना मान्यता है कि आम का जो फल लोग खाते हैं उसकी टेरी यानी उसकी पत्तियों का भी कितना महत्व है। एक एक घड़े में, मिट्टी से बने घड़े में इसको रखा जाता है, उसके बाद विशेष प्रकार का मंत्रोच्चार के पश्चात इसको लोग लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बीच में जो है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज मौजूद है, और उनके भक्त बिल्कुल गगनचुंबी नारे लगा रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात भगवान की कृपा होने जा रही है। देखिए, माल्यार्पण, ये कोरोना काल का दौरान है इसलिए माला ग्रहण करने से भी मना किया। छोटी बच्चियां हैं वो भी बिल्कुल एकदम पूरे ऊर्जा के साथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे इस वक्त लोग मौजूद हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि ये सारे के सारे लोग अपने जगत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका एक बार दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, और यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पद यात्रा करेंगे। और आपको ये भी जानना आवश्यक है कि ये आम घाट का जो जगह है वहाँ से लेके ये सारे के सारे भक्त अपने गुरुजन के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने जो आध्यात्म गुरु के साथ निकल पड़े हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में हैं। और यहाँ से आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ से जब ये कलश यात्रा का पूरा कार्यक्रम है दरअसल, और इस कलश यात्रा में महिलाएं जिस तरीके से पूरे परिधान में और स्वच्छ वातावरण में ये निकल पड़ी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब महिलाएं किसी कार्य में होती हैं तो उसका फल समूचे समाज को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। और ये भी एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, जहाँ महिलाओं को तमाम इस कार्य में सम्मिलित किया जाता है, वहाँ देवों का वास भी होता है। तो ये पूरा कार्यक्रम जब यहाँ से ये कलश यात्रा यहाँ से चलेगा तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ये कार्यक्रम जो होना है वो रायपुर पोक्ता ग्राम सभा में होना है। और रायपुर पोक्ता ग्राम सभा में जो वहाँ के प्रधान हैं हरीश चंद शुक्ला, हर वर्ष इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
तो ये आगाज हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि मिर्जापुर में इस तरीके के कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के देखे भी जा रहे हैं और अपने गुरु के द्वारा एक एक शब्द को आत्मसात करेंगे और आत्मसात करने के पश्चात वो अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करेंगे। तो कहने का आशय ये है कि ये पूरा का पूरा जनसैलाब जो आप देख रहे हैं आस्था का सैलाब में तब्दील हो चुका है। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्यों कल हाथ नहीं लगाना बा दूर रहना बा सबके भाई।